हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग एंड अनदर न्यू मॉर्निंग। हैव अ नाइस डे। और अगर आज चैनल पर नहीं आए तो फर्स्ट टाइम आज चैनल आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप सबसे पहले देख सके। और जी, आज की सबसे पहली फर्स्ट अपडेट तो ये है कि नोज मेरा पीछे जो कल मैंने बताया था और ज्यादा पक गया रहा। मैंने कोका जो है वो निकाल दिया। कोका जो है ना वो इतना नीठा रहा तो मैंने नेल कटर लिया। नेल कटर की मदद से उसको काटा। काट के फिर बड़ी मुश्किल से ना ये तिनका दोबारा से डाला, लेकिन नोज जो है इस वक्त फुली खराब हो चुका है। और ये मेरा सुभान इधर खेल रहा। वो हमना और हनान पापा के पास खड़े हैं और ये शोर मचा रहे हैं क्योंकि कल हनान ने जो हरकत की है वो गिरने लगा था, क्रॉस कर गया ऊपर से, तो उसके पापा जो है उसके लिए कोई हल निकाल रहे हैं। इस वजह से ये शोर मचा रहे हैं कि हमने स्टेयर्स में जाना है, इनको स्टेयर्स में जाने से रोका। ये जी ये पीस है, ये हम इधर करने वाले हैं इसका हल। और ये मिस्टर रजिश बिजी है इधर, पर ये बच्चे काम करने नहीं दे रहे फिलहाल। ये जी माउस और ये पैड लेके बैठ गया कि ये मैं खुद चलाऊंगा और सेम कॉपी कर रहा वैसे ही। ये देखें व्हाट इज दिस, व्हाट आर यू डूइंग बेटा। लो मामा को दे दो, गिम्मी 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 बेटा मेरी जान गिम्मी। अच्छा अभी ना देखते हैं कि अली ने क्या हल निकाला। फिलहाल वक्ती तौर पर अभी वो करके नीचे आ गया और मैं भी फ्री हो गई हूँ, तो चलकर जरा चेक करते हैं क्या हल निकाला। तो ओपन कैसे होगा ये? ये इसको ऐसे उठा के ऊपर और ऐसे। अच्छा मतलब ये लगा दिया दोनों साइड, सही हो गया ताकि कोई बच्चा ना जा पाए। A1 काम हो गया। बड़े भी दो हाथ से निकालने गया तो ये निकलेगा। ऐसा ही है, अच्छी बात है। ये देखो ये कल यहाँ से स्टेयर से ऊपर चढ़ के इधर से ओके, फिर ये सारी छत घूमा, फिर यहाँ से ये इसको क्रॉस करके उधर चला गया। पर हाँ साइड में कुछ भी नहीं, पर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि बच गया। अभी हम लोग जो है खाना खाकर फ्री हो चुके हैं और यहाँ पर रखी हुई है चाय और ये है जी दलिया। अभी हम बनाने वाले हैं गुड़ वाला दलिया और घी जो है वो हमने देगचे में डाल लिया, इसको करेंगे मेल्ट। और ये जो है इसको डाल लिया दलिया को बीच में और इसको भी थोड़ी देर भून लेंगे। हाँ, ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो जल्दी। हाँ, फिर उसके बाद इसमें डाल देंगे पानी। ये 2-3 मिनट इसकी बनाई कर लिया, अब इसमें जाएगा पानी। और अभी इसमें जाएगा गुड़ अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जितना मीठा आपको पसंद है। अभी कोई कम खाता कोई ज्यादा खाता उस हिसाब से अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। और ये इधर बच्चों ने ना मामा यहाँ पर लेटी हुई थी पाइप लगा के अम्मी को भिगो दिया, अम्मी वहाँ से नंगे पाइप भाग आई। नहाने के चक्करों में नो दलिया बारीक था तो बॉइल आने के बाद ना कोई आई थिंक मेरे ख्याल में अभी 20 से 25 मिनट में डन हो जाएगा, क्या ख्याल है? क्योंकि बारीक है मोटा वो टाइम लेता है ना। काफी बारीक है, बहुत ज्यादा बारीक है, एक तरह से आटे वाला सादा है, हल्का सा दर तरह। ये कम रह जाना देखना गुड़ और दलिया। अच्छा दलिया तुमने कम बनाया, चलो ये जी दलिया जो है डन हो गया और इसकी फ्लेम जो है इसको ऑफ कर देंगे। और अब ये आप पे डिपेंड करता है आपने गर्मा गर्म खाना है या ठंडा करके खाना। गर्मा गर्म खाएंगे तो ऐसे सॉफ्ट सा होगा, ठंडा करके खाएंगे तो वो एक किस्म का सख्त सा हो जाएगा खीर की तरह। तो हम लोग फिलहाल
ये लगा लो आज वो तो भूखी अभी अभी गर्मा गर्मी खाने लगी है। सिर्फ साबर के लिए निकाल के रखेंगे क्योंकि वो काम पर है, वो आएंगे तो खाएंगे, बाकी अभी खाएंगे सारे। सुभान जी मेरा अभी सो गया, वो भी अपने पापा के साथ शेयर करेगा। एंड हियर इज माई, अभी हम लोग जाने वाले हैं बाहर। पहले हमें नादरा में काम, वहां जाएंगे और नादरा से होने के बाद फिर चलेंगे जी डिनर के लिए। हेलो, हम आ चुके हैं अब ग्वाल मंडी। ये अली भाई, ये हमारी बच्चा पार्टी, इसने खानी है जी क्या क्या, स्विमिंग फिश, और इसको जो मर्जी खिला दो ये खाएगी। हमारा सबर का सामान, हम किधर आए हैं, क्या कर रहे हैं, खाना खाने आए हैं। ये अभी ग्वाल मंडी में पहले सामान का व्यापार कर रहा है, तो अब खाना खा बस। और बोलो, मैंने बताया कि सर सब्जी और अभी हम लोग जो है ग्वाल मंडी में आ चुके हैं रमजान के लिए, डिनर करने के लिए, बनाने के लिए। आज का जो डिनर है वो करेंगे, इस टाइम हम जो है वो है ग्वाल मंडी डिनर करने के लिए। और ये सबसे पहले रायता और पानी और प्लेट्स आ गई है, और बाकी ऑर्डर है वो लगवाया, वो आएगा तो फिर करेंगे डिनर। अभी फिलहाल टिक्के और कबाब है। ये जी हमारी कढ़ाई भी आ गई है, और अभी जो है वो जी वो बैठे हुए सारे खा रहे हैं नाश्ता डिनर। और मैं इधर आ चुकी हूँ फिश लेने, सरदार फिश। वो आई थिंक ये खा चुके हैं खाना अली भाई। वो रही आपकी ब्लॉगर, और यहाँ पे हमारी फिश के लिए रेडी हो रही है। ये साबर भाई और सुभान भी आ चुके हैं फ्री होके। हेलो सुभान, आए। और इधर अली भाई भी आ चुके हैं, इन्होंने पेमेंट वगैरह कर दिया, अब सिर्फ हमारी फिश डन होने का वेट है। नो अंकल ने निकाल के बाहर फिर से बीच में डाल दी फिश, मैंने कहा डन हो गई है, अब हो चुकी है हमारी फिश डन। पहले तो अंकल ने निकाली, पहले फिर उसको बीच में डाला, अब नहीं, अब पैकिंग कर दी है, अब कह सकते हैं कि ये डन हो गई है। ये अली भाई लेके भागे जा रहे हैं, हालांकि ऑर्डर मैंने किया था। ये सारा अन्नी पाव प्रोग्राम इन्होंने किया, हम तो थे ही नहीं, हमें क्या पता किसने खाया। हम तो थे ही नहीं, नहीं। हाँ तो सही बात है। अच्छा जी हमारी ना बैड लक ये हुई है कि आधी रात अब 12 बजे हैं, और हमारी जो बाइक है वो फ्रैक्चर हो गई, और हम बड़ी मुश्किल से पहले चलते आए हैं, बाइक हमारी जो है वो यहाँ पर लेकर आए हैं, और अभी इसको पेंशन लगेगा, उसके बाद जो है हम लोग घर जाएंगे। भाई ये भी करा फ्री की शॉप मिल गई है। हम लोग जो है वो अब घर आ चुके हैं, और इट्स टू लेट, तो अभी जस्ट सोएंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप सबसे पहले देख सके। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट, एंड वंस अगेन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।